हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इजी फूड किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही न्यूट्रिशियस रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है सूजी और चुकंदर के चीले। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये रेसिपी मैं सूजी और चुकंदर से बना रही हूँ। तो पता ही है आपको, चुकंदर हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये ब्लड प्रेशर को लो करता है और सबसे बड़ी बात, ये खून को बढ़ाता है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और बच्चों को भी आप ज़रूर बना के दीजिए। तो रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें मैं डालूंगी 1 कप सूजी। सूजी को मैंने छान लिया है। 3/4 कप दही। दही हम थोड़ी खट्टी लेंगे, क्योंकि हम इसमें चुकंदर ऐड करेंगे तो उससे खट्टी दही से वो टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। बारीक कटा हरा धनिया, ये भी इसमें डाल देते हैं। 2 बारीक कटी हरी मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार, 3/4 स्पून चंकी चाट मसाला थोड़ा टेस्ट के लिए। गाइस, ये देखिए, मैंने यहाँ पर चुकंदर लिया था, आधे चुकंदर को मैंने कद्दूकस कर लिया है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने लिया है 1 ग्लास में थोड़ा पानी। ये मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक घोल तैयार करूंगी। जैसे हम चीले का घोल तैयार करते हैं, हमें वैसा ही घोल तैयार करना है। चुकंदर को ऐड करने से इसका कलर पिंक हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। क्योंकि मैं एक बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपी बनाने जा रही हूँ, तो मैं ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी। अभी हम इसकी कंसिस्टेंसी को देखेंगे। 10-15 मिनट के लिए इसे मैं ढककर सेट होने रख दूँगी, क्योंकि सूजी दही को एब्जॉर्ब करेगी और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी में हार्ड हो जाएगी, तो पानी हम बाद में ऐड कर लेंगे। मिक्सचर को रखे 15 मिनट हो गए हैं, हम इसे चेक करते हैं। एक बार फिर से अच्छे से चला लेते हैं। मिक्सचर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें, क्योंकि मिक्सचर को हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। फिर से इसको एक बार अच्छे से चला लेते हैं। मिक्सचर अब हमारा बिल्कुल परफेक्ट है चीले बनाने के लिए। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। नॉनस्टिक पैन को गरम कर लिया है। गैस को लो टू मीडियम के हम बीच में रखेंगे। आप सिंपल तवे का यूज़ भी कर सकते हैं, उस पर भी चीला बन जाएगा। इसको हम थोड़ी सी इसमें ऑयलिंग कर लेते हैं। तेल में बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। इस पर अब हम बैटर डालेंगे और चीले को फैलाएंगे। चीले को मैंने फैला लिया है। चीले को हम थोड़ा मोटा मोटा ही फैलाएंगे। अब इसको हम कवर कर देते हैं। तकरीबन 1 मिनट के बाद इसे खोलते हैं और चेक करते हैं। ये देखिए, नीचे से सिक रहा है। अब मैं इसे पलट रही हूँ। वाओ, ये देखिए अच्छे से सिक चुका है इधर से। इस पर हम थोड़ा सा ऑयल या घी, कुछ भी आप लगा लीजिए, ताकि ये नीचे से भी सिक जाए। मैं ज़्यादा ऑयल नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं इसको काफ़ी हेल्दी बनाने जा रही हूँ, तो मैंने थोड़ा ही ऑयल का यूज़ किया है। इसे भी अब हम ढक देंगे 1-1.5 मिनट के लिए। अब हम इसे 2 मिनट के बाद चेक कर रहे हैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से सिक चुका है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ, क्योंकि रेड कलर इसका आ रहा है तो हमें पता नहीं चल रहा है। तो ये आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा सिक चुका है। बस जब आपको लगे कि दोनों तरफ से सिक चुका है, तब हम इसे उतार लेंगे। ये सिक गया है, तो इसलिए मैं अब इसे उतार लेती हूँ। एक और चीला मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। गैस को हमें लो मीडियम के बीच में रखनी है। बाकी ज़रूरत के हिसाब से आप थोड़ा सा इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम एक कड़छी से इसमें डालेंगे और इसको इवनली सारे में स्प्रेड कर देंगे। गाइज, अगर आपको लग रहा है घोल थोड़ा सा गाढ़ा है, तो आप हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, हमें इसे राउंड शेप में इस तरह से फैलाना है। बस इसको अब मैं कवर कर रही हूँ 1 मिनट के लिए, फिर हम चेक करेंगे। 1 मिनट हो गया है, इसे भी चेक करते हैं।
ये देखिए ये नीचे से सिक चुका है, तो अब हम इसे पलट लेते हैं। ये देखिए वाओ, बहुत अच्छे से सिक गया है। दूसरी साइड थोड़ा सा हम घी लगा देते हैं, आप चाहें तो ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। इस साइड से भी हम चाहे तो हम खुला भी सेक सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं वैसे कवर कर रही हूँ इसे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए हैं, टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इसे भी मैं पलट के एक बार देख लेती हूँ। हाँ वाओ, ये देखिए कितने अच्छे से हमारा ये चीला सिक चुका है। बस इस स्टेज पर हम इसको उतार लेंगे और सारे चीले इसी तरह से तैयार कर लेंगे। गाइस, गर्मा गर्म चीले बिल्कुल तैयार हैं। आप इन्हें दही के साथ खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, टमाटो सॉस के साथ खा सकते हैं, या फिर ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेंगे। आप इनको ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छी और इजी रेसिपी आपके लिए लेकर आती रहूं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।